बजरंग दल पूरे देश में 9000 प्रखंडों में निकालेगा शौर्य यात्रा। सोमवार 5 दिसंबर नई दिल्ली बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक श्री नीरज दनोरिया जी का आज दिल्ली प्रवास के दौरान करोल बाग में शौर्य यात्रा में रहना हुआ। ये शौर्य यात्रा करोल बाग 350 बस टर्मिनल से प्रारंभ होकर श्री दुर्गा माता मंदिर पैज रोड तक रही और दुर्गा माता मंदिर पहुंचकर विशाल सभा बन गई। रास्ते में जगह जगह शौर्य यात्रा का स्वागत किया गया। पूरा फैज रोड जाम हो गया था। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दनोरिया ने इस अवसर पर उपस्थित बजरंगियों और मातृ शक्ति को संबोधित करते हुए बताया कि बजरंग दल पूरे देश में 15 दिसंबर तक ऐसे ही 9000 प्रखंडों में शौर्य यात्रा निकालेगा। उन्होंने कहा कि जो श्री राम के मंदिर का विरोध करते थे, आज मंदिर बनना जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा, वही राहुल विंची कहते हैं जय श्री राम कहने वाले माता सीता को नहीं पूछते। लगता है अभी तक राहुल विंची पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए। बजरंग दल दिल्ली के संयोजक भारत बत्रा ने नीरज दनोरिया जी को इस अवसर पर तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री श्री सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि पूरी दिल्ली में सभी प्रखंडों में ऐसे ही गीता जयंती और शौर्य दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर समाज सेवी चरणजीत मल्होत्रा, प्रांत सह संयोजक विशु शर्मा, जिला संयोजक सचिन बंसल सहित प्रांत सह प्रचार प्रमुख सुमित भी उपस्थित रहे। खबर सबकी सीधी आप तक।